अयोध्या जिले के नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद यानी एक मुकदमा दाखिल किया गया है। यह मुकदमा एडवोकेट पदनाम सिंह के द्वारा समाजसेवी अर्चना तिवारी ने दाखिल किया है। सीजीएम कोर्ट में वादी अर्चना तिवारी का 7 जून को बयान दर्ज होगा। दरअसल 23 मार्च को अयोध्या धाम की 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में समाज सेविका अर्चना तिवारी अपने सहयोगियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर पुलिस ने इनका धरना प्रदर्शन जबरदस्ती समाप्त करवाया था और नगर कोतवाल पर आरोप लगा था कि वह समाज सेविका अर्चना तिवारी का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके बाद SSP और IG से इसकी शिकायत की गई थी। कार्यवाही न होने पर CGM कोर्ट में कोतवाल नगर देवेंद्र सिंह के खिलाफ परिवाद यानी मुकदमा दाखिल किया गया है। ये दिनांक 23/3/2022 का मामला था। एक समाज में जो है कुकृत्य हुआ था, जिसके खिलाफ समाज में रहने वाली महिला है हमारी क्लाइंट अर्चना तिवारी जी, जो प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन के लोग इतना ज़्यादा आतुर हो गए कि शाम को नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह उनके घर पहुंचते हैं और उनकी 5 साल की लड़की को हाथ में उठा के कहते हैं कि एक लोग रेप करेंगे तो क्या होगा, और 2 लोग रेप करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, तुम जान जाओगी, जितनी तुमको राजनीति की जो है गर्मी चढ़ी है हम शांत कर देंगे। जिसके खिलाफ इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या DIG जो है हमारे यहाँ बैठते हैं, वहाँ भी इन्होंने दरखास्त की। उसके बाद ये मुख्यमंत्री तक जो है अब बात पहुँचाने के लिए लखनऊ भी गई, लेकिन इस शासन व्यवस्था के तहत कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष 190 का के तहत हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ प्रकरणवाद दर्ज किया गया। 32/08/22 प्रकरणवाद संख्या है, जिसमें दर्ज कर बयान के लिए डेट निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में आगे की कार्रवाई होगी।